Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you are new on my channel, hi, my name is Ravina. And if you are visiting for the first time on my channel, then please subscribe my channel below and hit the bell icon so you will never miss an update. So आज मैं करने वाली हूँ review इन थ्री फेस वॉशेज का, जो कि दो वाव की तरफ से है, वाव स्किन साइंस एंड एक मामाअर्थ की तरफ से. तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं. तो सबसे पहले मैं जिस फेस वॉश की बात करने वाली हूँ वो है ये मामाअर्थ का उपटन फेस वॉश. ये कुछ इस टाइप पैकेजिंग में आता है. सबसे पहले बात करूँ इसके पैकेजिंग की, तो ये पैकेजिंग वाइज काफ़ी अच्छा है. इसके MRP की अगर मैं बात करूँ तो ये है 249 रुपीज़ का, जो कि अफोर्डेबल है. मामाअर्थ काफ़ी अच्छा ब्रांड है. ये पैराबिन सिलिकॉन फ्री है एंड ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड भी है. ये है उपटन फेस वॉश, तो मैं इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि क्रीमी बेस्ड हो. अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें यूज़ किए गए कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन, टर्मरिक पाउडर, सेफ्रॉन एक्सट्रैक्ट एंड बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. तो इसका टेक्सचर देख लेते हैं. टेक्सचर वाइज ये कुछ इस टाइप का है, क्रीमी बेस है ये. एज ये उपटन है तो क्रीमी बेस ही मैंने एक्सपेक्ट किया था. इसके अंदर छोटे छोटे बीट्स हैं, जो कि वॉलनट्स बीट हैं. इसके अंदर छोटे छोटे वॉलनट बीट्स हैं जिसकी वजह से ये आपके फेस पे एज अ एक्सफोलिएटर भी काम करेगा. ये फेस वॉश आप डेली बेसिस पे यूज़ ना करें क्योंकि इसमें वॉलनट बीट्स भी हैं, तो रेगुलर बेसिस पे स्क्रबिंग जैसा फील आई गेस सही नहीं है. तो बाकी ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक से यूज़ कर सकते हैं. बाकी जेंटल स्क्रबिंग के लिए काफ़ी अच्छा है. ये फेस वॉश करने के बाद आपके फेस को एकदम ड्राई नहीं करता है, तो वो एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी. आई टॉक अबाउट फ्रेगरेंस, तो इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी है. बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की फ्रेगरेंस आती है. जिन लोगों को फ्रेगरेंस से प्रॉब्लम है तो उनके लिए एक डिसएडवांटेज है कि इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. जैसे आप इसका लीड ओपन करेंगे, सेफ्रॉन, टर्मरिक, उन सब की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो वो अगर इश्यू हो सकता है किसी के लिए. बाकी है सारे स्किन टाइप के लिए से यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा है. अगर आपको ये परचेज़ करना होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. नेक्स्ट जिस फेस वॉश की हम बात करेंगे वो है ये वाव स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश. फेस वॉश की अगर मैं बात करूँ तो ये है. इसके अंदर नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, नो सल्फेट, नो कलर एडिट, कुछ भी नहीं है. ये आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में. इसके अंदर लिक्विड फेस वॉश है एंड आपको इस फेस वॉश की बेस्ट चीज़ ये है कि इसके साथ आपको ब्रश मिलता है जो कि सिलिकॉन ब्रश है. इस टाइप बहुत इसके ब्रिसल्स बहुत ही लाइट है, बहुत अच्छे से मसाज हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है जिससे कि आपके फेस पे अच्छा सा ग्लो आता है, अच्छे से क्लेंस भी कर देता है आपके फेस को. ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड को कंट्रोल करता है, ऐसे क्लीन करता है एंड मैंने इसे काफ़ी टाइम से यूज़ किया है. ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही जेंटल है, माइल्ड है एंड केमिकल फ्री है. सबसे बेस्ट चीज़ इस फेस वॉश की यही है कि केमिकल फ्री फेस वॉश है, तो आप इसे डेली 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग में, एंड इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. ये 150 ml का प्रोडक्ट आपको मिलेगा 399 रुपीज़ में. ये आपको अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल हर जगह अवेलेबल. ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है. जिनको पिंपल्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम है उनके लिए ये सिलिकॉन ब्रश बहुत अच्छा है. उनके फेस पे बिल्कुल भी हार्श नहीं होगा. ये बहुत ही लाइट है, लाइट वेटेड है, आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. थर्ड जो फेस वॉश है जिसकी मैं बात करूँगी वो भी वाव स्किन साइंस की तरफ से ही है, उपटन फेस वॉश. इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, बहुत ही माइल्ड है, जेंटल है, इसकी स्मेल बहुत ही अमेजिंग है. एंड ये 100 ml का प्रोडक्ट आपको मिलेगा 249 रुपीज़ में, जो कि अगेन बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं सैंडलवुड ऑयल, रोज़ वाटर, सेफ्रॉन, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट. ये बहुत अच्छा है, बट एक चीज़ जो इसकी अलग है मामाअर्थ के उपटन फेस वॉश से वो ये है कि वो है क्रीमी बेस्ड प्रोडक्ट, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट, और ये है जेल बेस्ड प्रोडक्ट. एज यू कैन सी ये जेल बेस्ड प्रोडक्ट, ये जेल बेस्ड प्रोडक्ट है. फोम ज़्यादा क्रिएट नहीं करता है, बहुत लाइट फोम क्रिएट करता है. एज यू कैन सी बहुत ही लाइट फोम क्रिएट करता है, जो कि काफ़ी अच्छा है. ये केमिकल फ्री है. डेली बेसिस के लिए फेस वॉश बहुत ही अच्छा है, बहुत ही माइल्ड है, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है एंड तीनों ही फेस वॉशेज काफ़ी अच्छे हैं.
बस मामा अर्थ के उपटन फेस वॉश के इशू ये है कि इसके अंदर वॉलन बीट्स है, तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज मत करिए, मेरा सजेशन ये है आप लोगों के लिए। बाकी तीनों फेस वॉशेज बहुत अच्छे हैं, आप कोई भी फेस वॉश इनमें से परचेज कर सकते हैं, तीनों ही बहुत बेस्ट है। अगर एक इन दिनों से कोई आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगी तो आप ये वाओ का उपटन फेस वॉश पर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही माइल्ड है स्किन के लिए, बहुत ही जेंटल है, तो आप ये परचेस कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा टेक केयर।